नमस्कार, मैं हूं रमेश पुरोहित। नया साल नई पनिहारिन की तरह है, जैसा कि कवियों ने कहा भी है कि नई उमरिया नई डगरिया, नया पिया की नवी प्यारी राम, नवी नगरी में नवी गगरी ले पनगट जइरियो पनिहारिन। तो पनिहारिन भी नई है, पनगट भी नया है, सब कुछ नया है उसके पास में, आचार भी नया, विचार भी नया, काम करने का तरीका भी नया। तो आने वाला जो 2020 का जो साल है, नया साल जिसको हम कह रहे हैं कि 2020 का अंक गणित, इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम ये कहना चाह रहे हैं, आज ये जानना चाह रहे हैं इसमें कि यह जो नया साल है वह किस तरह का रहेगा अंकों के माध्यम से। वैसे तो ज्योतिष जो है भविष्य में झांकने की जो विधा है कई तरह की है, जिसमें ज्योतिष शास्त्र भी आता है, भविष्य शास्त्र भी है और अंक गणित भी है, जिसको हम अंग्रेजी में न्यूमरोलॉजी भी कहते हैं। हमारे साथ में जो है न्यूमरोलॉजिस्ट जो है पुनीत एस सूरी है, इनके साथ में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि यह नया साल किस तरह से रहने वाला है देश और दुनिया में, और अंकों के माध्यम से जब हम बात करते हैं तो उनके सामने जो अंक गणित किस तरह का लेके आ रहा है ये नया साल, एक से लगा करके 9 नंबर की जो गिनती होती है वो अंकों के माध्यम से, लेकिन हर व्यक्ति के जीवन में अंक कहीं ना कहीं प्रभावित करता है उनकी कार्यशैली में, उनके विचार में। सूर्य सर, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। किस तरह से देखते हैं कि जो नया साल आ रहा है, जिसकी जो है 2020 की हम बात कर रहे हैं, 2019 चला गया, अब आने वाला जो ये नया साल वह लोगों के लिए किस तरह से रहने वाला है, अंकों के अगर गणना के आधार पर अगर हम बात करें तो साल 2020 इन अंकों को अगर आप टोटल करें तो नंबर आता है 22 का, यानी कि नंबर 4, जो कि राहु का अंक है। सबसे पहले राहु की एनर्जी को समझते हैं। राहु मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कन्फ्लिक्ट्स पैदा करता है, फ्रॉड्स, खास करके ऑनलाइन फ्रॉड्स को बढ़ावा देता है, इल्यूजन क्रिएट करता है और आपको सही राह से भटकाकर एक अलग राह पे ला देता है, जिससे आपको बाद में लॉस होता है। क्या करें, इस साल राहु पैशन का कारक है और इसका इम्पैक्ट सडन होता है। संभल के रहें, कोई भी काम में जल्दबाजी ना दिखाएं, मौका नहीं देता राहु। इसलिए साल 2020 में जो भी काम करें थोड़ा पेशेंस रखकर और बिना किसी अग्रेशन के करें। आंखें बंद करके ट्रस्ट करना थोड़ा सा नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए डिसीजन सोच समझ के लें। जैसे कि मैंने बताया कि प्लास्टिक मनी, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में फ्रॉड हो सकता है, इसलिए वहाँ पे थोड़ी सतर्कता बरतने की ज़रूरत रहेगी इस साल। किसी भी काम के प्रति ओवर कॉन्फिडेंस खराब रह सकता है, इसलिए जो भी करें सोच समझ के करें, आराम से करें। पुनीत जी, बात यह है कि हर व्यक्ति के जीवन में अंकों का जो है प्रभाव रहता है। हर व्यक्ति जो एक से लगा करके 9 तक की जो है जो गणना हम करते हैं, उनमें कहीं न कहीं व्यक्ति का जो है जन्म का प्रभाव हो या उसके अन्य उम्र का भी उसमें असर दिखाई देता है कि उम्र भी अंकों के माध्यम से गणना करते हैं। 58 साल का हुआ, 55 साल का हुआ, 32 साल का हुआ, तो वो भी अंक कहीं ना कहीं उसको प्रभावित करता है। लेकिन मूलांक की हम बात करें तो किस तरह से देखते हैं, एक नंबर का जो मूलांक है उसका भविष्य या उसके जातकों के लिए यह नया साल किस तरह से रहने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊँ कि साल राहु का साल है, तो ये राहु एक छाया ग्रह है। खास करके फोटोग्राफर्स, एस्ट्रोलॉजर्स, वास्तु या किसी भी अकल्ट साइंस से जुड़े लोगों के लिए साल काफ़ी अच्छा रहने वाला है। जो लोग आईटी से, कंप्यूटर से, ई कॉमर्स से, ऑनलाइन मार्केटिंग या रिसर्च और डेवलपमेंट से जुड़े हैं, उनके लिए साल बहुत अच्छा रहेगा। इवन टीवी, सिनेमा और मीडिया से जुड़े लोगों के लिए भी साल काफ़ी हद तक बढ़िया है। इस साल के लिए सलाह ये रहेगी कि इमीडिएट कुछ भी करने से या अग्रेसिवली कुछ भी डिसीजन लेने से थोड़ा सा बच के रहें। हर उम्र एक नया नंबर होता है, हर साल एक नया नंबर होता है। 2020 जो 2020 की एनर्जी है इसको ना बढ़ाते हुए आप 2020 की बजाय अपोस्ट्रोफी 20 लिखें तो बढ़िया रहेगा। एंड नो शॉर्टकट्स दिस ईयर, इस साल एक और एक के चक्कर में अगर दो करने के लिए गए तो थोड़ा सा प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। साल एक नंबर वालों के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है।
क्योंकि साल एक और चार दोनों आइडेंटिकल इमेजेस होते हैं, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। एक नंबर वालों के लिए जितने भी लोग 1, 10, 19 या 28 तारीख को पैदा हुए हैं उनका मूलांक एक है, तो उनके लिए सलाह ये है कि किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचें अपने पिता की। मैं आगे की अगर इस चर्चा को शुरू करूं, इससे पहले थोड़ा सा ये जान लें कि आर्थिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो 2019 काफ़ी जो है एक अलग तरह का रहा, जिसमें कि लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप उनको जो है आना चाहिए था, इनकम ऑफ सोर्स बढ़ना चाहिए था, रोजगार की संभावनाएं बढ़नी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं निराशा का रहा है। लेकिन इसमें शेयर बाजार की भी अगर मैं बात करूं तो वो भी कहीं ना कहीं जो है लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं रहा, जिसमें कि निवेश की जो गतिविधियां ज़्यादातर लोगों की जो है शेयर के बारे में भी जानकारी जानना चाहते हैं वो लोग, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे 2020 जो है शेयर मार्केट के हिसाब से किस तरह से दिखने वाला है आपकी बात? देखिए, शेयर मार्केट के लिए आने वाला साल काफ़ी उतार चढ़ाव वाला रहेगा, बिकॉज एक अनप्रडिक्टेबल नंबर है, आप प्रडिक्ट नहीं कर सकते। सीधी सीधी सलाह ये रहेगी कि जिसमें भी निवेश करें, जिस भी फंड्स को अपनाएं या खरीदें, थोड़ा सा संभल कर पेशेंस रख के काम किया जाए तो बेहतर रहेगा। 2019 जो कि एक काफ़ी अच्छा लकी ईयर रहा है, बिकॉज हमारा भारत का भी साल तीन पे ही नंबर आता है, तो 2019 काफ़ी अच्छा रहा है भारत की दृष्टि से। लेकिन 2020 में संभल कर चलने वाला टाइम है, पेशेंस बरतना पड़ेगा। गोल्ड ने ऑलरेडी काफ़ी अच्छा मार्केट, काफ़ी अच्छा रेट टच किया, प्राइस टच किया, आने वाले साल में यही उछाल आपको आगे भी देखने को मिल सकता है। और जो गोल्ड में ट्रेडिंग करते हैं, सही टाइम है इस साल गोल्ड को रिलीज़ करने का और प्रॉफिट बुक करने का, क्योंकि गोल्ड में उछाल आगे भी कायम रहेगा। मैं आपको चलते चलते एक वेदर के बारे में बता दूं। मैं यही जानना चाह रहा था कि जब अर्थ की बात करते हैं, पैसे निवेश की बात करते हैं, जेब जिसकी भरी रहती है वो निश्चित रूप से अपने आप को सुखी महसूस करता है, कि जेब में जब पैसा आता है तब तो निवेश की तो हमने बात कर ली, लेकिन हमारा आस पड़ोस का जो वातावरण है, मौसम है, वो किस तरह से दिखाई देता है कि आने वाला जो नया साल है वो भारत के लिहाज से जो है पर्यावरण की दृष्टि से, मौसम की दृष्टि से किस तरह का अनुकूल आपको अंकों के माध्यम से आप इसको? जी, वेदर इस साल अगेन काफ़ी अनप्रडिक्टेबल रहेगा। ठंडी जगह पे या तो आपको गर्माहट का एहसास होगा या और ज़्यादा ठंड पड़ सकती है, और सिमिलरली गर्म जगह और ज़्यादा गर्म, या जहाँ उम्मीद नहीं है वहाँ ठंड पड़ सकती है। काफ़ी अनप्रडिक्टेबल रहने वाला है इस साल का वेदर भी। वेदर के लिहाज से अगर बात करता है, इस अभी जो साल जा रहा है, जाते जाते भी काफ़ी जो है सर्दी का एहसास हुआ है, और आने वाली जो गर्मी है, तो कहने का मतलब मौसम अनुकूल रहेगा, तो मौसम अनुकूल रहने से भी जो है खाद्यान्न, क्यों कि खेती भी जो है मौसम के अनुरूप ही रहती है, तो सर्दी गर्मी बरसात ये कुल मिलाकर के जो सारा एक एटमॉस्फेयर जो चेंज है वो अनुकूल रहने से भी आपको एक सुख समृद्धि का एहसास रहता है। ज़्यादा सर्दी भी नहीं होती तो उससे फसलें भी खराब नहीं होती, या अतिवृष्टि या अनावृष्टि की जब बात करते हैं तब भी वो अनुकूल अगर दिशा में चलती है तो ऐसा माना जाता है कि वह भी जो है कुछ जो है आपके पॉजिटिव जो रिजल्ट्स लेके आता है वह साल लेके आएगा। जी देखिए, 2019 गुरु का साल था, हर तरीके से बड़ा, इसलिए गर्मी भी अच्छी पड़ी और सर्दी भी अच्छी पड़ी। लेकिन 2020 के अंदर जो है वो अनप्रडिक्टेबल रहेगा, तो आप कह नहीं सकते कि क्या किस हिसाब से रहेगा, लेकिन काफ़ी हद तक आपको दोनों चीज़ें देखने को मिलेंगी, महसूस होंगी। सूर्य जी, अब आप हमने ये जान लिया कि क्या कहना चाहिए, आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है, मौसम कैसा रहना, लेकिन इन सब का प्रभाव इंडिविजुअल व्यक्ति के ऊपर खुद का कैसा रहेगा? जैसे कि मूल अंक जिसकी हम बात करते हैं कि डेट ऑफ बर्थ है, वो काफ़ी प्रभावित करती है व्यक्ति के जीवन को जी। तो किस तरह से देखते हैं कि आने वाले साल में मूल अंक जिसका जन्म 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को हुआ है, तो वह जातक या वह व्यक्ति किस तरह से अनुभव करे कि आने वाला जो 2020 है वह उनके अनुकूल रहेगा, क्या क्या प्रतिकूल परिस्थितियां हो सकती है, क्या क्या उसके सामने समस्याएं आ सकती है? जी, मूलांक 1, 10, 19 या 28 के जन्म लोगों का जो मूलांक है वो एक है। नंबर 1 और 4
काफ़ी आइडेंटिकल नंबर हैं एक दूसरे के, इनमें काफ़ी हद तक इनकी एनर्जी सिमिलर है। नंबर एक के लोगों के लिए ये साल काफ़ी अच्छा रहने वाला है, बस कंडीशन है कि आप अपना डिसीजन स्वयं लें। इस साल आपको अपने फादर की सेहत का और बुज़ुर्गों की सेहत का जो घर में है उनका ध्यान रखना है, और किसी भी तरह का अपमान नहीं करना। इस साल आपकी ईगो में इजाफा हो सकता है, इसलिए गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी भी तरीके का कन्फ्लिक्ट अवॉइड करें। बाकी साल अच्छा है, बस पेशेंस ही बरतनी है हर काम में। आपके लिए लकी कलर येलो, ब्राउन एंड गोल्डन रहेगा इस साल। एक नंबर की जो जातक हैं या जिनका मूल अंक एक है उनके लिए तो हमने जान लिया, लेकिन दो नंबर के जो जातक है, दो नंबर का मूल अंक का मतलब ये हुआ कि जिनका जन्म 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को या 29 तारीख को हुआ, उनका मूल अंक 2 होता है, तो वो लोग किस तरह से महसूस करेंगे आने वाले साल, उनके लिए क्या नया कुछ लेके आने वाला है, और क्या उनके सामने चुनौतियां भी रह सकती है। आने की तो सभी करते हैं कि आना चाहिए, सुख समृद्धि होनी चाहिए, लेकिन कई बार ऐसे अवसर भी आ जाते हैं कैसे, जिससे कि चुनौतियां सामने आती है, तो उनको भी किस तरह से प्रिकॉशंस रखना है, क्या करना है ये इसके? जी, ये साल नंबर दो के लोग जन्मे लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा, बिकॉज नंबर चार आप ही की फैमिली का नंबर है। नंबर चार जो है काफ़ी सपोर्ट में है आपके लिए। बस आप नंबर दो वालों के करना ये है कि किसी पे भी ट्रस्ट ज़रा सोच समझ कर करना है, नहीं तो दूसरे की वजह से आपको लॉस हो सकता है। और अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए इस साल, उसको इमोशंस को अपने आप पे हावी ना होने दीजिए। नंबर दो के लोग डिप्रेशन में थोड़ा जल्दी आ जाते हैं, इसलिए योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और खूब सारा पानी पीजिए। साल 2020 बढ़िया है आपके लिए, और आपके आपका लकी कलर इस साल के लिए वाइट और क्रीम रहेगा। दो नंबर के जो मूलांक वाले हैं उनके लिए अच्छा साल है, आने वाला साल ठीक है, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी और हेल्थ की दृष्टि से, इकोनॉमिक और वेल्थ की दृष्टि से भी है। कुछ जो है चिंताएं भी अगर होती है तो उनका भी निराकरण किस तरह से होगा, किस तरह से उनको काम करना, लेकिन मूलांक नंबर जो 3 है वो किस तरह से रहने वाले हैं? जी बिल्कुल, मैं 3 के बारे में बताऊंगा, लेकिन 2 के बारे में ये और कहना चाहूँगा कि जो भी मीठा लें, मीठा जो आपको ज़्यादा शौकीन है मीठा के, तो लें, लेकिन एडिकेट क्वांटिटी में। मैं 3 के बारे में बताऊं, जिन लोगों का बर्थ 3, 12 या 21 को या 31 को हुआ है उनका मूलांक 3 है। ये साल नंबर 3 के लोगों के लिए काफ़ी उतार चढ़ाव वाला रहने वाला है, बिकॉज 2019 नंबर 3 के लिए काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन 2020 में थोड़ा आपको सोच समझकर काम करने की ज़रूरत है। उतार चढ़ाव वाला ये साल रहेगा। 2019 में आपको सफलता मिली, लेकिन इस साल आपको पेशेंस रख के काम करना पड़ेगा। लोगों से बोली में जो बोलें वो थोड़ा आप थोड़ा पेशेंटली और थोड़ा सोच समझ कर बोलेंगे तो आपके काम बनते रहेंगे। नंबर 3 गुरु का नंबर है और आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ खींचता है, लेकिन नंबर 4 राहु का रहता है और वो आपको स्पिरिचुअलिटी से दूर लेकर जाता है। इस साल पॉसिबिलिटी है कि काफ़ी आउट ऑफ रिलीजन मैरिजेज या कास्ट आउट ऑफ कास्ट मैरिजेस होने की संभावना ज़्यादा है इस साल। इस साल नंबर 3 के लोगों के लिए स्पेशल रहेगा कि आप अपनी नोज़ का और लंग्स का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखें। आपके लिए लकी कलर पर्पल और ब्लू रहेगा इस साल। 4 नंबर के जो जातक है, मूलांक जिनका 4 है, या जिनका डेट ऑफ बर्थ 4 तारीख हो, 13 तारीख या 22 तारीख और 31 तारीख, ये इन इन डेट्स में जिन जिन लोगों का जन्म होता है उनका मूलांक 4 होता है, तो 4 के लिए आप क्या खुशखबरी लेके आ रहे हैं और क्या चुनौतियां उनके सामने हैं ताकि वो इनसे बच के रहें और अपना जीवन उस तरह से चलाएं, या उन्हें इन चीज़ों से बच के अगर काम करें तो काफ़ी सफलताएं मिल सकती है उनको? नंबर 4 के लिए मूलांक वालों के लिए खैर ये साल बहुत ही बढ़िया, बिकॉज 2020 के टोटल से भी जो आता है वो नंबर 4 है, और नंबर 4 मूलांक वालों के लिए साल बहुत खुशियाँ रखता है, अच्छा रहने वाला है ये साल। ये साल हर लिहाज से आपके लिए ग्रोथ लाने वाला रहेगा, बस आपको पेशेंटली काम करना है और सोच समझ कर डिसीजन लेना है। किसी भी तरह की जल्दबाजी ना करें इस साल। साल बढ़िया है, इसका उपयोग करें। अपनी लोअर बॉडी का थोड़ा आपको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा इस साल। आपके लिए इस साल के लकी कलर येलो और वाइट रहेंगे। क्या कलर्स का भी जीवन के उनकी जो है भविष्य के ऊपर झांका जा सकता है कि इन इन कलर्स को अपनाएं, इन इन कलर्स से थोड़ा सा परहेज करें
तो है जो अपना जो कहना चाहिए कि कार्य और व्यवहार है उसका भी ठीक लगता जी जी बिल्कुल। है ना। रंगों के बाद अब 4 नंबर का मूलांक हुआ। 5वें मूलांक का मतलब ये हुआ कि जिनका डेट ऑफ बर्थ 5 तारीख हो, 14 तारीख हो या 23 तारीख हो, उन जातकों को भी किस तरह से जो है आने वाले साल का जो है तैयारी करनी चाहिए, रहन सहन, आचार विचार या बोलचाल जैसा भी उनका व्यवहार हो जी उनके ऊपर वो थोड़ा सा कंट्रोल करें या कुछ चीज़ें रिलीज करें तो उनके लिए फायदे बन सकता है ये जी साल आने वाला। जी देखिए, मूलांक 5 वालों के लिए ये साल थोड़ा बैलेंस बनाने वाला रहेगा। वैसे भी 5 नंबर के लोग काफ़ी अडेप्टेबल होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं, किसी भी सिचुएशन को काफ़ी अच्छे से हैंडल कर लेते हैं और मेंटली ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। नंबर 5 के लोगों को इस साल अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पे ज़रूर ध्यान देना पड़ेगा, और शेयर मार्केट में निवेश करने में थोड़ी जल्दबाजी नुकसान दे सकती है, इसलिए थोड़ा सोच समझ कर निवेश करें। साल आगे आने वाला साल 2021 में देखता हूँ आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, बिकॉज 2021 का टोटल भी आप ही के नंबर पे आता है, और 2021 में आपकी मेहनत का आपको उस साल 2021 में लाभ होने के ज़्यादा चांसेस हैं। आपके लकी कलर ग्रीन वाइट ज़्यादा रहेगा अच्छा इस साल। 5 तारीख का जो मूलांक है उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं अब 6 तारीख के मूलांक का, 6 नंबर का, जिसमें कि 6 तारीख, 15 तारीख और 24 तारीख, इन डेट्स को जो जातक का जन्म होता है उन पर क्या असर होने वाला है इस नए साल का, या नए साल जो क्या संभावना के द्वार खोल रहा है उनके लिए। मूलांक 6 वालों के लिए ये साल थोड़ा संभल के रहने वाला, अपने प्रेम संबंधों को सहेज के रखने वाला रहेगा। अपने पार्टनर, लाइफ पार्टनर पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। अपने संबंध जो कि आपके ऑफिस के हों, रिलेशनशिप्स आपके ऑफिस में हों, नौकरी प्लेस पे हों, वर्क प्लेस पे हों, या घर से संबंधित हों, डिसीजन उनके प्रति थोड़ा सोच समझ के लेना है आपको इस साल। थोड़ा पेशेंस और टॉलरेंस आपको इस साल रखना पड़ेगा अपने रिलेशन्स में, और चाहे वो रिलेशंस कहीं के भी हों आपको बना के रखनी पड़ेगी। बाकी ये साल आगे आने वाला साल आपके लिए अच्छे हैं, 2019 भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहा है। आपको इस साल अपने ऑफिस प्लेस में सबॉर्डिनेट्स से ज़्यादा लुक आफ्टर करना रहेगा, अपनी टीम प्लेयर एक अच्छा बन के रहना पड़ेगा, और बाकी तसल्ली रखें, पेशेंस से काम लें तो साल आपके लिए भी अच्छा है। और इस साल आपका लकी कलर ब्लू रहेगा। 7 नंबर की बात करते हैं मूलांक। 7 नंबर वो नंबर है जिसमें कि वो जातक जो 7 तारीख का जिनका जन्म हुआ है या 16 तारीख को हुआ है या 25 तारीख को हुआ है किसी महीने की, वो जातक किस तरह से अपना भविष्य को देख सकता है। भविष्य की देखने की बात नहीं है, किस तरह से वो अपना व्यवहार को जो संचालित करे ताकि आने वाला जो वर्ष है जो कल से शुरू हो रहा है वह उनके लिए खुशियों भरा हो, मांगलिक कार्य हो। हर आदमी यही चाहता है कि धन ऐश्वर्य उनके साथ रहे, स्वास्थ्य अच्छा रहे, पढ़ाई लिखाई उनकी ठीक हो। क्या देखते हैं आप उसके लिए। जी नंबर 7 के लोगों के लिए आने वाला साल 2020 काफ़ी अच्छा रहने की उम्मीद है, बिकॉज़ नंबर 4 नंबर 7 की फैमिली का ही एक नंबर है। ये साल आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इस साल आपकी कोई हॉबी को आप प्रोफेशन बना सकते हैं, ग्रोथ होगी इस साल। आप अगर एस्ट्रोलॉजी में, वास्तु में, या किसी और तरह की ऑकल साइंस से जुड़े हैं तो आपको सफलता के पूरे पूरे चांसेस हैं। आपके रुके हुए काम इस साल पूरे होंगे, और बस आपको थोड़ा सा पेशेंस बरतना है आपके हर एक चीज़ में। डिसीजन मेकिंग में थोड़ा आराम से लें और डिप्रेशन से थोड़ा बच के रहें। आपके लिए इस साल का लकी कलर वाइट और क्रीम रहेगा। डिप्रेशन से बचना सबसे बड़ा जो समस्या है व्यक्ति की वह है कि तनावग्रस्त है। आज हर व्यक्ति किसी न किसी रूप से तनावग्रस्त है, चाहे बच्चों में भी देख लो और बड़ों में भी देख लो। बड़ों में स्वास्थ्य उनका अनुकूल नहीं होता तब भी तनाव में, और बच्चे जो पढ़ने वाले होते हैं यंगस्टर्स हैं उनको रोजगार की, बेरोजगारी की या पढ़ाई की भी चिंता, तो तनाव रहता है। उससे भी बचना और किस तरह से बचना ये मूलांक के माध्यम से पता लग जाता है कि जी यह व्यक्ति किस तरह से आगे जी बढ़ेगा। बिल्कुल। अब हम बात कर लेते हैं 8 तारीख मूलांक की। तो 8 तारीख को जन्मे व्यक्ति 17 या 26 तारीख को, ये जो इन जी बिल्कुल डेट्स को जो व्यक्ति जन्म लिया है जिन्होंने, उनके लिए कम यह जो नया वर्ष है वो किस तरह से देख रहे हैं आप। जी जी जितने भी लोग जिनका बर्थ 8, 17 या 26 को आता है, उनका मूलांक 8 है।
मूलांक आठ वाले लोगों को इस साल थोड़ा सतर्क रहना है, और इस साल आपकी बोन्स, जॉइंट्स और टीथ का कुछ प्रॉब्लम उभर सकता है। डिसीजन संभल कर लेना है, किसी भी डॉक्यूमेंट पे आपको साइन करते समय पहले उसको आप चेक कीजिए, क्रॉस चेक कीजिए और फिर सिग्नेचर कीजिए। गवर्नमेंट से, पुलिस या कोर्ट केसेस से इस साल उलझने का कोई मतलब नहीं है, भारी पड़ सकता है आप पे, इसलिए अपने डिसीजंस जो कि एक्चुअली डिले हो सकते हैं इस साल, थोड़ा तसल्ली से लीजिए। इस साल पार्टनरशिप में एंटर होने से पहले चेक कर लें, क्रॉस चेक कर लें और फिर एंटर हों। इस साल किसी भी तरह का कन्फ्लिक्ट से बचें। अपने रिलेशंस का ध्यान रखें, आपके लिए लकी कलर येलो, वाइट एंड ब्लू रहेगा इस साल के लिए। अंकों के माध्यम से कई चीज़ें उभर करके सामने आती है, दिक्कतें भी हो तब भी कैलकुलेट करके, हर आदमी कैलकुलेटेड लाइफ जीना चाहता है जी कि गणितीय दृष्टि से जो चीज़ें उभर करके सामने है, हर व्यक्ति उसी आधार पे ही अपने जो है जीवन शैली को भी अपनाता है, जिसको हम बोलते हैं कि कैलकुलेटेड कैलकुलेटेड लाइफ भी अंकों के माध्यम से होता है। बिल्कुल अब हम बात कर लेते हैं 9 तारीख, 9, 18 और 27, जिन व्यक्तियों का जन्म 9 तारीख को हुआ है या 28 तारीख, 18 तारीख को हुआ है या 27 तारीख को हुआ है, उनका मूल अंक 9 होता जी है, बिल्कुल तो उस वे जो लोग जो इन तारीखों में जिनका जन्म हुआ वो क्या नया साल के लिए उनके लिए जी है? जी नंबर 9 के लोगों को इस साल अपने अग्रेशन पर थोड़ा काम करना रहेगा, उसको कंट्रोल रखिए थोड़ा इस साल। आप स्पेशली ड्राइव करते समय बिल्कुल भी अग्रेसिवली ड्राइव ना करें, और किसी भी तरह के डिसीजन में जल्दबाजी ना दिखाएं तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। आपको अपने करियर में, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स देखने को इस साल मिल सकते हैं, बट पेशेंटली हैंडल करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा साल। अपने डिसीजंस को आराम से लीजिए, जल्दबाजी नहीं कीजिए, बेवजह किसी से ना उलझें तो आपकी उलझनें थोड़ी कम हो सकती हैं। अपने फीट का खास तौर पे इस साल में ध्यान रखने का है आपको। आपके लिए लकी कलर ब्लू एंड वाइट रहेगा इस साल के लिए। ज्योतिष एक ऐसी विधा है जिसके माध्यम से हम भविष्य में झांकने की जो प्रवृत्ति है वो मानव सभ्यता के विकास काल से शुरू, कल क्या होने वाला है हर व्यक्ति इसके लिए चिंतित रहता है, और उसके लिहाज से अगर उसको थोड़ी सी जानकारी मिल जाती है कि कल क्या होने वाला है तो उसके लिए वो तैयारी भी करता है कि ये अगर ऑब्स्टेकल्स आने वाले हैं तो उसके लिए बचाव के ये रास्ते हैं, उसके आधार पर वो अपना जो है कार्य व्यवहार अगर करे। जी बिल्कुल, तो आप हमारे जो व्यूवर्स हैं, हमारे जो दर्शक हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि ये जो आने वाला साल है उन दर्शकों के लिए, उन लोगों के लिए जो हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं कि ये 2020 उनके लिए किस तरह की खुशियां भरे जो है एक नया वातावरण लेके आएगा, ताकि वो हर दृष्टि से सुख शांति, मांगलिक कार्यों से, धन ऐश्वर्य से, और वो जो सारी चीजें उनके पास में एक होनी चाहिए आदमी की, जिनसे कि वो अपनी समस्याओं से निजात पा सके, क्या कहना है आपका? जी देखिए, साल 2020 अंकों के हिसाब से राहु का साल आता है, और राहु ठीक है, आप आपको पेशेंस रहने के लिए, पेशेंस हर काम में बरतने के लिए कहता है। ओवर कॉन्फिडेंस से आपको इस साल बचना है, किसी भी तरीके की जल्दी और हड़बड़ाहट आपको नुकसान दे सकती है। आपको सब कुछ मिलेगा हर नंबर के लिए, साल बहुत अच्छा रहेगा। कंडीशन रहेगी कि वो हर काम में सतर्क रहें और जल्दबाजी का अवॉइड करें। हम 2020 की एनर्जी को इंक्रीज ना किया जाए, अगर आप 2020 की बजाय जहाँ ज़रूरत है वहाँ अपोस्ट्रॉफी 20 लिखेंगे तो काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ने की उम्मीद है। किसी भी तरह की हड़बड़ाहट इस साल रहने दीजिए, बिकॉज़ राहु कन्फ्लिक्ट का नंबर है और इसका इम्पैक्ट सडन होता है, जो कि संभलने का मौका नहीं देता। तो सलाह यही है कि आराम से रहें, स्वस्थ रहें, पेशेंटली हर काम को करें और सफलता फिर आपके कदम चुनेगी। इसलिए कहा जाता है कि भविष्य में झांकने की जो एक प्रवृत्ति सदियों से हमारे सामने रह रही है, कई माध्यम से हम ये देखने और समझने का प्रयास करते हैं कि आने वाला जो वक्त है वो किस तरह का रहेगा, तो इसके लिए कई विधाएं हैं, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी है, अंकगणित भी है, न्यूमरोलॉजी भी है, और भी कई विधाएं हैं जिनके माध्यम से हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि आने वाला वक्त किस तरह का वक्त, लगातार एक चलते हुए दरिया के समान है, रुकता नहीं है, लेकिन रुकने की जो प्रवृत्ति
कहीं ना कहीं आकर के एक विरोधाभास की स्थिति खड़ा करती है, लेकिन चूंकि समय अपनी गति से चलता है और उसके अनुसार हम अपना कार्य और व्यवहार तय करते हैं, लिहाजा कल क्या होने वाला है संकेत के माध्यम से ज्योतिष शास्त्र हो या न्यूमरोलॉजी हो, वो एक ज़रूर आपके सामने एक आंकलन सा एक संभावना दिखा देती है कि क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसी के बीच में आम आदमी जीता है और अपने जो है आने वाले कल की एक सुनहरी जो तस्वीर की हम बात करते हैं वह भी कहीं ना कहीं दिखाने का बनाने का प्रयास करता है, ताकि उसके जो सारे जो जो उम्मीदें हैं, जो नई चीज़ें हैं, नई जो है विचार है, नए जो कार्यक्रम है, नए जो काम है, वह भी एक गति उस तरह से चलती रहे। 2020 का अंक गणित के इस कार्यक्रम में आज तो बस इतना ही। देखते रहे न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद।